दोस्तों आज मैं आप सबसे पहले ही बोलना चाहता हूं कि वीडियो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं क्यों आपको पहले बोल रहा हूं, क्योंकि खुशी वाली बात ही इतना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि लेजी पे का कार्ड जो है बहुत जन को जो है ब्लॉक हो चुका था। बाद में बहुत जन को कार्ड मिला भी, लेकिन उसके बाद एक और अपडेट आया जिसमें बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है लेजी पे एप्लीकेशन को बैन किया जा रहा है। यानी इंडिया में बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन था जिस एप्लीकेशन को भारत सरकार के द्वारा उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसमें से लेजी पे जो एप्लीकेशन है वो रिमूव कर दिया गया, यानी वो जो है अनबैन हो चुका है। यानी वो अभी मार्केट में चलेगा, और मार्केट में चलेगा इतना अच्छा से क्योंकि अभी आप सबको मिलने वाला एक क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड इस तरह से मिलने वाला है जो कि आपको पता होगा IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक जो है उसमें हम सबको एक कार्ड मिलता था जो कि चार वैरायटी कार्ड मिलता था, जिसमें हम सबको ये जो कार्ड आप देखें मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है अब हम सब इसको अप्लाई करने के लिए सोचते रहते थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी आप सबको लेजी पे में ही ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे हमको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आया, मैं रात को 11:18 में वीडियो को कर रहा था, हालांकि ये नोटिफिकेशन को 10 बजे आया, लेकिन मैं इसको देख रहा था नोटिफिकेशन, बट मैं इग्नोर कर रहा था। फिर मैं सोचा कि चलो एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या है। जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये ड्रैग हमको कर दिया डायरेक्टली जो है लेजी पे पे, और लेजी पे जैसे हमको रीड्रैग किया तो यहाँ पर हमको लिखा गया है कि अभी आपको जो IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा जो कि पावर बाय लेजी पे में मिलेगा, ठीक है। इसमें बताया गया आपको साथ साथ 500 रुपया का जो है वो वेलकम वाउचर भी मिलेगा। यानी जब आप कार्ड को एक्टिवेट करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप 15,000 रुपया स्पेंड करते हैं तो आपको अकाउंट में 500 रुपया का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाएगा। तो कार्ड अगर अप्लाई करते हैं तो आप सब डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिएगा लेजी पे एप्लीकेशन को ओपन करके। तभी मैं ऑलरेडी लेजी पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया है गेट योर कार्ड नाउ का ऑप्शन, आपको गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक करना है। गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप ATM से बैलेंस निकालेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं बिना कोई चार्ज का। लेकिन साथ ही साथ देखिए 0% इंटरेस्ट रेट में आपको बैलेंस निकलता है, 48 डेज के लिए आप फ्री में बैलेंस को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप ऑनलाइन कहीं यूज करते हैं तो आप सबको वहां पे भी रिवॉर्ड पॉइंट ऑप्शन मिलेगा। हालांकि जो 10% आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा तो ये अच्छी बात है, जो कि एक्स रिवॉर्ड पॉइंट होता है, ठीक है। कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, और फाइनली आपको गेट OTP पे क्लिक करके और आएगा आप प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, किसी तरह का आपको जो चार्जेस भी नहीं लगाया जा रहा, तो ये आपको प्लस पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो अपना हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। सो दोस्तों अपना नाम, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ पर एक OTP भी आ चुका है, तो OTP मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ, जो कि OTP ऑटोमेटिक ले लिया है। टर्म कंडीशन को आपको एग्री करना पड़ता है, आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग हो रहा है, वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या आने वाला है। तो चलो वेट कर लिए हैं। वेट करने के बाद हमको यहाँ बताया जा रहा है कि अपलोड योर स्टेटमेंट, यानी लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, यानी जो अब इससे पहले आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका अगर आपके पास स्टेटमेंट अवेलेबल है तो आप स्टेटमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और इंस्टेंटली आपको क्रेडिट कार्ड भी जो यहाँ पर मिल जाता है। इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास जो कि हाई लेवल का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है ना उसका आप डाल दीजिए तो आपको उतना ही लिमिट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि लिमिट जब जैसे आप स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे तो 5 MB का होना चाहिए, ठीक है। आपको MB का भी ख्याल यहाँ पर रखना पड़ेगा और फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर कुछ इशू होता है तो आप यहाँ पर जो है एक जो है शेयर वाया ईमेल आईडी का ऑप्शन देगा, उस पर भी क्लिक आप शेयर कर सकते हैं, बट कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल दीजिए पुराना कोई भी क्रेडिट कार्ड का। गाइज अगर आप सबको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ अगर दिक्कत होता है तो यहाँ एक ऑप्शन और दिया गया है, डायरेक्टली अपना आप ईमेल आईडी के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। जैसे शेयर भैया ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक आपको ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। तो आपको इस ईमेल आईडी आपको लेना, यानी इस पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो ईमेल आईडी सेलेक्ट होता है, फिर आपको ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको शेयर कर देना है, ठीक है। अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंट रहेगा जिसका आपको स्टेटमेंट डालना है क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डालिएगा और अपना नाम डाल दीजिएगा, बस उतना ही करना है और आपको सेंड कर देना है। तो फिर आपको डॉक्यूमेंट जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है फिर आपको जो कार्ड भी इंस्टेंटली वर्चुअल कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको फिजिकल में कार्ड ये जो है देखने को मिल जाएगा। सो अच्छा अपडेट दिया है लेजी पे के द्वारा। अगर आपको लेजी पे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप यहाँ से आकर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्रूवल मिल भी जाता है, क्योंकि लिमिट भी आपको जितना कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड करेगा ना उतना ही लिमिट आपको इसमें भी मिलने वाला है।
सो गाइस अगर आपको ऑफर नहीं मिला रहेगा कार्ड अप्लाई करने का तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे लेजीबी एप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट पे आप देखेंगे तो पहले ही आपको कार्ड वाला ऑप्शन आता है जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिखता रहता है। इसी पर क्लिक कर आप कार्ड को अप्लाई कर लेना है, जो कि आसान तरीका आपको ये कार्ड जो अभी फिलहाल जो है मिल रहा है, तो आप यहाँ आके अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये अभी अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत अच्छा भी कर दिया गया है। अभी जो पावर वाय हो गया है लेजीपे का, वो हो गया है IDFC फर्स्ट बैंक पावर वाय हो गया, यानी अभी जो इसका जो भी कारोबार जो भी होता है, जैसे कि इसका विड्रॉ का हो चाहे ट्रांजेक्शन का हो, जो भी है जिसके पेमेंट कहीं फंसेगा भी, तो उस सब का जो लेन देन आपको भी IDFC फर्स्ट बैंक ही करने वाला है, जो कि पावर वाय भी हो गया IDFC फर्स्ट बैंक, चेंजेस थोड़ा कर दिया गया है, ठीक है। और कार्ड जो मिलेगा आपको वीजा मिलेगा, इसके ऊपर जो 1% जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलने वाला है, तो ये भी आप सबके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक क्रेडिट कार्ड होने वाला है। तभी आप जो है यहाँ से अप्लाई कर लीजिए कम खर्चा में और इंस्टेंटली, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कार्ड जो है मिल जा रहा है। सो गाइस अभी जो हमको लिमिट मिला है, वो लिमिट हमको मिल गया है SBI क्रेडिट कार्ड का मैं स्टेटमेंट डाला था, तभी हमको मिल चुका है जो है 66,000 हमको लिमिट भी प्रोवाइड यहाँ पर कर दिया गया, यानी जितना हमको SBI का था लिमिट उतना ही डाला गया है। अगर हम यहाँ पर RBL बैंक क्रेडिट कार्ड का डालता है ना, तो थोड़ा हमको लिमिट ज़्यादा मिलता, क्योंकि वहाँ पर जो है 88,000 है, तो वो भी शायद लिमिट हमको उतना मिल जाना चाहिए था, बट चलो गलती से मैं SBI का डाल दिया, तो इतना लिमिट हमको यहाँ पर भी मिल चुका है। बाद बाकी KYC करने के लिए जो लेटेस्ट हमको स्टेटमेंट मांगा गया था, तो वो हमें अभी तक अपलोड, मैंने वहाँ से मैं ईमेल आईडी के थ्रू वेरीफिकेशन करवा दिया हूँ। बाद बाकी यहाँ जो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। बाद बाकी अगर आपको अपलोड होगा तो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, या तो मैं शेयर के थ्रू किया ही हूँ, आप लोग शेयर के थ्रू कर लीजिएगा, अब क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो गाइस मैं जो मेल आईडी के ऊपर मैं जो अपना जो मेल किया था, यानी अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, तो वहाँ पर भी देखेंगे हमको वीडियो KYC करने के लिए जो है मैसेज आ चुका है, जो कि टाइमिंग दिया गया है 7:30 से लेकर 9:00 के बीच में, हम जो है ऑल डे, यानी संडे हो चाहे मंडे हो, कभी भी आप जो है वीडियो KYC कम्प्लीट कीजिए और कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें बताया गया कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड या तो आपको आधार कार्ड जो हो, यानी आधार आईडी एक होना चाहिए, उसके थ्रू आपको वीडियो KYC कम्प्लीट करना है और फिर जाकर आपको जो है कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपको वीडियो KYC करना ही पड़ेगा, वीडियो KYC के बाद ही आपको कार्ड यहाँ पे शो होने वाला है आपको लेजीपे एप्लीकेशन में। हालांकि बता दूँ ये फिजिकल कार्ड भी मिलने वाला है और वर्चुअल कार्ड भी मिलने वाला है, तो ये प्लस पॉइंट है। वर्चुअल अगर फिजिकल कार्ड अगर लेट भी आता है तो आप सब वर्चुअल कार्ड के थ्रू अपना काम कर सकते हैं और लिमिट आपको अच्छा खासा मिल ही रहा है। सो आशा करता हूँ कि आप सबको ये छोटी सी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे